आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय सेशन 2020 से 23 BA BSc BCom एग्जामिनेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है। इसका फॉर्म जो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे, तो इससे पहले मैं नोटिफिकेशन बता चुका हूँ। तो आज की वीडियो में कंप्लीट जो स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्म भरना सीखेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करते हैं जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर PPU की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, PPUP.ac.in पे। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके इस पर आ सकते हैं। इस पर आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर जो है BA BSc BCom सेशन जो है 2020 से 23 है इसका, तो इसका फॉर्म फिल करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन फोटो है, सिंपली आपको जो है इस पर क्लिक कर लेना चाहिए। इस पर जो है क्लिक कर लेना है आपको। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, चलिए तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर जो है आप वेबसाइट जो है PPUonline.in आप डायरेक्ट खोल सकते हैं। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसका मैं लास्ट डेट बता देता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए लास्ट डेट जो है इसका 23/7/2021 है बिना शुल्क का। अगर आपको यहाँ पर जो है 100 रुपये का शुल्क देना चाहते हैं तो आपको यहाँ 27/7/2021 तक जो है आप BA BSc BCom सेशन 2020-23 के लिए आप जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए आपको इस पेज पर आ जाना है। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं UG एग्जामिनेशन फॉर्म Part 1 रेगुलर फेल्ड एंड प्रमोटेड स्टूडेंट है, तो सभी के लिए है। तो सिंपली आपको जो इस पे जो है क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक नोट करके यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन है 2018 सेशन की वो छात्र एवं छात्रा जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था वो रेगुलर फॉर्म में भरेंगे। तो यहाँ पर जो है 2018 के सेशन में जो भी स्टूडेंट आते हैं तो वो जो है रेगुलर फॉर्म फिल करेंगे, जो अगर फॉर्म नहीं फिल किए हैं। चलिए आपको यहाँ पर जो है सर्च स्टूडेंट है, तो सिंपली आपको यहाँ पर सर्च करना होगा। तो सबसे पहले एग्जाम आपको टाइप सेलेक्ट करना होगा, आपका UG रेगुलर या फिर आप यहाँ पर आपको अपने अनुसार यहाँ पर कुछ सेलेक्ट कर लेना। चलिए यहाँ पर UG रेगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ समय ये वेरीफाई होगा, उसके बाद आपको सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट कर लेना है BA BSc BCom, आप जो है जिसमें भी आप चाहे जिसमें भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं BSc ऑनर्स Year 1 कर देता हूँ। और उसके बाद जो है सर्च इन आपको यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, एक ही ऑप्शन है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो सिंपली आपको यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। और यहाँ पर जो है आपको जो है एंट्रेंस रोल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके। तो यहाँ पर जो अगर आपको रोल नंबर पता है फिर या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो सिंपली आपको यहाँ पर इंटर करना है। और यहाँ पर देखिए फादर और मदर्स फुल नेम, ओके। तो यहाँ पर आपको फादर का नाम आपको यहाँ पर जो है इंटर कर देना है। और उसके बाद आपके सामने कैप्चा जो दिख रहा है, कैप्चा जो है आपको यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल लेटर दोनों मिल जाता है। तो यहाँ पर जो अभी तो सभी स्मॉल लेटर में, तो ये कैप्चा आपको सिंपली आपको यहाँ पर जो है इंटर कर लेना है। कैप्चा जो है आपको यहाँ पर सही पूर्वक आपको यहाँ इंटर करना है। और उसके बाद जो है सिंपली आपको यहाँ पर जो है सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगा जाएगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना। चलिए मैं पेमेंट बता देता हूँ कितना कितना आपको पेमेंट करना होगा। सिंपली आपको यहाँ नोटिफिकेशन पर आ जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर जो है 16/7/2021 से 23/7/2021 के बीच में आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जनरल और BC 2 के लिए 700 रुपये है और SC ST BC 1 के लिए 500 रुपये आपको यहाँ पर जो है पेमेंट चार्ज है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप दिनांक 27/7/2021 से 27/7/2021 के बीच में आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर जो विलम्ब शुल्क सहित जो है 800 रुपये, यानी कि 100 रुपये एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर जो है लगेगा। तो इसको आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। आप जो है 23/7/2021 से पहले पहले ही एग्जामिनेशन फॉर्म को फिर सबमिट कर सकते हैं और आसानी से जो है आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आपके सामने जो है जैसे पेमेंट आप कंप्लीट करेंगे तो आपके सामने जो है रिसिप्ट डाउनलोड होगा। तो रिसिप्ट को आपको अवश्य जो है आपको स्कैन करके या फिर आप यहाँ पर प्रिंट आउट द्वारा या फिर सेव करके आपको रख लेना है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू फॉर्म है, तो इस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं इस पर आप क्लिक करके फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिल व्यू प्रिंट फॉर्म, ओके। अगर आपका प्रिंट मान के चलिए आप पेमेंट कर देते हैं, प्रिंट नहीं हुआ तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है रिप्रिंट फॉर्म और यहाँ पर फाइंड योर फॉर्म। तो यहाँ पर आपको फॉर्म अभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे फाइंड योर फॉर्म, तो यहाँ पर जो है इस पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आपको सिंपली हम कॉलेज सेलेक्ट करना है। सभी डिटेल्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपने फॉर्म को फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर जो आपको रिप्रिंट जो है फॉर्म को भी यहाँ पर जो है प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट स्टेटस, आपको ये जानना है कि आपका पेमेंट सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो सिंपली आपको पेमेंट स्टेटस पर आप क्लिक करके जो है यहाँ पर जो है आपका पेमेंट स्टेटस जो है शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड, जैसे ही आप यहाँ पर सभी डिटेल्स शो कर देता है और एग्जामिनेशन टाइम आपको पता चल जाता है तो यहाँ पर जो है आपको एडमिट कार्ड आप यहीं से जो है आप यहाँ पर ऑनलाइन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय BA BSc BCom सेशन 2020 से 23 के लिए आप एग्जामिनेशन फॉर्म इस तरह से फिल करेंगे। सिंपली आपको इस पेज पर आना है PPUonline.in पे और यहाँ पर आपको इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर जो आसानी से आपको फॉर्म को फिल कर लेना है। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो सिंपली आप डायरेक्ट यहाँ पर कोई जो है यूनिवर्सिटी का नंबर भी जाता है, डायरेक्ट आप इस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए तो यहीं आपको जो है इन्फॉर्मेशन बताना था कि आप इसको कैसे फिल करेंगे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय BA BSc BCom एग्जामिनेशन फॉर्म। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो की लाइक करो, इसी तरह वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करते हैं जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें। थैंक यू फ्रेंड्स।